दीदी ने बोला कि खाना खा लो, फिर अंकल ने हमको धक्का दे के बाहर निकाला। साइड पे मैं बैठ गई और मैं वहाँ 10 घंटे बैठी थी। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कैनॉट प्लेस में एक मामला सामने आया, जहां एक महिला कुछ बच्चों को, कुछ गरीब बच्चों को एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेकर गई, लेकिन रेस्टोरेंट मालिक ने खाना देने से इनकार कर दिया और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। जब इस तरह के वाक़े सामने आते हैं तो वाकई ऐसा लगता है कि हम आधुनिकता और विकास की राह पर तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या लोगों की सोच भी उतनी तेज़ी से बढ़ रही है या वो अभी भी पिछड़ी हुई है। दीपा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दीपा जी, सवाल ये है कि एक एग्जाम्पल जो है वो तो यहाँ सेट किया गया, एक उदाहरण के तौर पर सोनाली ने बहुत अच्छा काम किया, एक सोच का उदाहरण यहां दिया, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो एक सवाल भी खड़ा हो जाता है, जिस तरह का रेस्टोरेंट मालिक की तरफ से बर्ताव किया गया, बच्चों को बाहर खड़ा कर दिया गया, कि हम लोग मॉडर्नाइज तो हो रहे हैं लेकिन सोच कहीं नहीं बदल पा रही। देखिए, ये तो सोनाली जी अड़ गई और न्याय की लड़ाई लड़ी तो ये मुद्दा उठ गया। ऐसा नहीं है कि समाज में लोग सेवा भाव नहीं रखते हैं, रखते हैं और जहाँ अन्याय होता है आवाज़ उठाते हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि मुद्दे सिर्फ वही उठते हैं जो हाइलाइटेड होने के लायक होते हैं। मीडिया से मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हर उस आवाज़ को उठाइए जिससे समाज में बदलाव आ सकता है। आपके इस एक्शन से मुझे लगता है कि जितने भी रेस्टोरेंट्स, होटल्स चल रहे हैं, उनको एक सबक तो मिल गया है कि वो गरीब बच्चों को नो एंट्री नहीं करेंगे। आज मैं या आप या कोई भी आज अगर शाम को या दिन में गरीब बच्चों को रेस्टोरेंट में लेके जाएंगे तो शायद उनको नो एंट्री का साइन बोर्ड या उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि मैसेज तो क्लियर है कि अगर ऐसा करेंगे तो दे हैव टू पे फॉर दिस। और कहा भी जाता है कि विकास की राह पे आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब सबका साथ, सबका साथ सबका विकास, सरकार का यही एक नारा है। तो विकास सिर्फ अमीरों के माध्यम से नहीं होगा। वोट दिल्ली सरकार को गरीबों ने दी है, ठीक है जी। सरकार जो बनी है वो गरीबों की वोट से बनी है, और अगर गरीब लोग ही यूं ही तिल तिल कर जिएंगे, उनका यूं ही अनादर होता रहेगा, तो मुझे लगता है कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह रही हूँ, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। इस मुद्दे पर सख्त से सख्त और जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और इस रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद्द हो, तभी हम समझेंगे कि हाँ, ये एक बहुत ही सही कदम उठाया और ये एक मैसेज भी देगा, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाएगा कि हाँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बर्दाश्त के बाहर होगा। बिल्कुल, समान और समानता सभी का अधिकार है और वो सभी को मिलना चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं उन बच्चों की बात, जो बच्चे सोनाली, वो महिला जो उनको अपने साथ रेस्टोरेंट में लेकर गई थी, शिव सागर रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए, उन्होंने क्या कुछ बताया जब उनसे पूछा गया कि रेस्टोरेंट मालिक ने किस तरह से उनके साथ बर्ताव किया। कल दीदी हमको खाना खिलाने लेके आई थी शिव सागर में, फिर दीदी ने बोला कि खाना खा लो, फिर अंकल ने हमको धक्का दे के बाहर निकाला। फिर दीदी ने बोला हम जितना का बिल होगा जितना का बिल दे दे, फिर नहीं खाने दिया, फिर हमने सब लोग उन्हें खाना खिला दिया। तो अगर इतनी ज़्यादा थी कि बिल देने तक की बात कही गई, लेकिन तब भी रेस्टोरेंट मालिक जो है उन्होंने इजाज़त नहीं दी बच्चों को अंदर बैठने की और बाहर निकाल दिया। वही बात है कि उनको अपने कल्चर का नुकसान होने का खतरा था। कल्चर क्या कि वहाँ जो अमीर लोग आए हुए हैं और जो खाना खा रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो जाए, या वो उनके जो परमानेंट कस्टमर्स हैं वो उनके टूट ना जाए, कि हाइजीनिकली हो सकता है कि उन्होंने सोचा होगा कि ये बच्चे इतने गंदे ड्रेसअप हैं और ये सब हैं तो। लेकिन अगर सामाजिक तौर पर देखा जाए तो भी अगर बच्चे वहाँ आते हैं तो रेस्टोरेंट हो या होटल हो या कोई भी ऐसा हो, उसे सर्व करना उनका एक नहीं, वो उनका उनको अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। उन्होंने जो किया गलत किया है कि वो दूसरे कस्टमर्स पर ध्यान रख रहे हैं, ये भी तो कस्टमर्स ही थे ना, चाहे वो गरीब थे लेकिन उनका बिल तो पे किया जा रहा है, तो बिल पे किया जा रहा है, तो आप कौन होते हैं ये डिफ्रेंशिएट करने वाले कि आप यहाँ बैठ के खा सकते हैं। अगर मैं ही आज अगर मैले कचैले कपड़े पहनकर रेस्टोरेंट में चले जाऊंगी, इसका मतलब आप मुझे बाहर का दरवाजा दिखाएंगे, तो कानून के दायरे में तो ये बहुत बड़ा अपराध है और इसकी सजा होना लाजमी है जी।
और रही बात की, अभी बताया है कि दूसरे रेस्टोरेंट में वो गए, तो क्या वहां पर उन बच्चों को अंदर बिठा के खाना खिलाया गया, पैक होके बाहर लेके आया गया? क्योंकि उसके बाद वो श्रवण में गई हैं शायद, उनको खाना खिलाया है, तो अगर उन्होंने वहां पर उनको खाना खिलाया तो ये एक अच्छा मैसेज भी जा रहा है कि दूसरे रेस्टोरेंट ने इस चीज का ख्याल रखा। तो बात है कि ये जो रेस्टोरेंट है जिन्होंने बच्चों को बाहर का रास्ता दिखाया, गरीब बच्चों को बाहर का रास्ता दिखाया, गरीबी एहसास करा रहे हैं कि तुम गरीब हो और तुम ये जिंदगी डिजर्व नहीं करते हो। एंड ताज्जुब की बात यहाँ पर ये भी आती है दीपा जी, 10 घंटे तक रेस्टोरेंट के बाहर धरना देती रही। हाँ, रेस्टोरेंट के अंदर जो लोग बैठे थे उन्होंने भी किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं जताई। बिल्कुल, सिर्फ रेस्टोरेंट मालिक पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो जो अंदर लोग बैठे थे इस तरह के बर्ताव का किसी और ने भी सवाल सपोर्ट में आना चाहिए था जी, कि क्या सिर्फ मतलब उन्हीं को हक है ऐसी जगह पर खाना खाने का। बहुत दुख हुआ कि वो लोग नहीं आए उनके सपोर्ट में, लेकिन आज आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे लगता है कि ज्यादा तादाद में इसके फेवर में लोग आ भी रहे हैं और आएंगे भी, क्योंकि सही मुद्दा है और अन्याय हुआ है बच्चों के साथ, गरीबी का मजाक उड़ाया गया है, कतई हक नहीं है उनको, और वही बात फिर से आ जाती है कि कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। जिस तरह से डिप्टी सीएम ने कहा है 24 घंटे का वक्त, 24 घंटे रिपोर्ट मांगी है, 24 घंटों को महीनों में और महीनों को सालों में तब्दील होते हुए देखा है ऋचा जी। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से उनको एक अनुरोध ही है, रिक्वेस्ट ही है कि 24 घंटे मतलब 24 घंटे, नहीं तो हो सकता है एक बड़ा आंदोलन का रूप ले ले। किस तरह की कार्रवाई की आप यहां पर उम्मीद करती हैं कि सरकार की तरफ से की जाएगी? लाइसेंस जब्त और बाकी रेस्टोरेंट्स को लिखित में एक मैसेज कि गरीब बच्चों के लिए एक तो खाना खाने में उनको डिस्काउंट होना चाहिए कि एटलीस्ट उनको 20% ही देना पड़े क्योंकि दे कांट अफोर्ड, और अगर कोई और उनको लेके जा रहा है तो प्रॉपरली उनको वही रेड कार्पेट वेलकम मिलना चाहिए जो बाकी कस्टमर्स को मिलता है। कई जगह हमने ये भी देखा है कि दीपा जी की सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर भी कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कई ऐसे ऑफिसेज होते हैं, कई ऐसे होटल्स होते हैं जो जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। लेकिन इस तरह का जब कोई मामला सामने आता देखिए, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट है और मैं पहले इसमें खाना खा चुकी हूँ, इनका कुछ हद तक रवैया बड़ा एडमेंट रहा है। ये नहीं है कि गरीबों के साथ भी, ये बड़े इनका सर्विंग पार्ट भी बड़ा एडमेंट है कि आप दो बार से ज्यादा आप जो है वेटर को नहीं बुला सकते, ये भी इसमें इशू है कि ये अपनी कंडीशंस पे सर्व करेंगे। तो ये चीजें इस रेस्टोरेंट की और भी शिकायतें आई हैं जो कि मैं बता रही हूँ। चलिए, अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली सरकार जिस तरह की कार्रवाई की बात कर रही है, कितनी जल्द ये कार्रवाई की जाती है और किस तरह से उदाहरण जो है वो यहाँ सामने आता है कार्रवाई के बाद, क्योंकि जिस तरह का ये मामला सामने आया है काफी शर्मनाक है और एक सवाल जरूर खड़ा कर गया है कि विकास की राह पर तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमारी सोच कितनी बदली है। हमारे इस खास पेशकश में बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़ी और हमारे साथ चर्चा की, और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। दीदी ने बोला कि खाना खा लो, फिर अंकल ने हमको धक्का दे के बाहर निकाला। साइड पे मैं बैठ गई और मैं वहाँ 10 घंटे बैठी थी।